वेलकम बैक टू दी ऑल चैनल दैट इज टेस्ला साइंस एकेडमी बारडोली। तो बच्चों आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 12 की चैप्टर नंबर 11 की, जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर। तो इसके अंदर हम अल्कोहल फिनॉल्स और ईथर कैसे बनते हैं, इसकी प्रिपरेशन क्या है, उसके नोमेनक्लेचर क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म कैसे होते हैं, राइट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारा CH4 है, जिसके अंदर चार हाइड्रोजन होते हैं, यस और नो, राइट। अब ये जो एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होता है OH से, किस से, OH से। तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा CH3NOH मिल जाएगा, तो ये होगा हमारा अल्कोहल, राइट। तो इस तरह से अल्कोहल जो है प्रिपेयर होता है। अगर मान लो कि हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे कि मान लो कि बेंजीन है, राइट, क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन के ऊपर जो एक हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस होता है OH ग्रुप से, तो हम इसे बोलेंगे फिनॉल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। इसी तरह से अगर अल्कोक्सी ग्रुप है, जैसे कि ROR, तो इसे हम कहेंगे ईथर, राइट। तो इस चैप्टर में बच्चों ये तीनों जो कंपाउंड है हमारे फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर, इसकी हम बात करेंगे। तो चलिए बच्चों ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में डिटेल में बात ना करके हम सीधे चलते हैं उसके क्लासिफिकेशंस पे। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे क्लासिफिकेशंस दिया गया है, तो सबसे पहले मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि आपने फिनॉल चैप्टर नंबर 10 में आपने हेलो अल्केन हेलो एरिन में पढ़ा होगा कि जिस तरह से अगर एक हेलो कंपाउंड है तो इसे आप बोलते थे, क्या बोलते थे, मोनो हेलो कंपाउंड, राइट। इसी तरह यहाँ पे जैसे कि दिया गया है, राइट, कि जैसे कि देखो यहाँ पे एक OH है तो इसे हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, अगर दो OH ग्रुप है तो इसे हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक, और अगर 3 OH ग्रुप आते हैं तो इसे हम बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक, राइट। इसी तरह से पेंटाहाइड्रिक हेप्टाहाइड्रिक आते रहेंगे। इसी तरह से अगर बेंजीन रिंग में है, जैसे कि रिंग में OH सब्स्टिट्यूट हुआ है, एक OH हुआ है, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है एक OH से, तो इसे हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, उसी तरह से इसे बोलेंगे डाईहाइड्रिक, उसी तरह से इसे बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक। तो ये होता है पहला क्लासिफिकेशन, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर्स ऑफ हाइड्रिक ग्रुप विच इज अटैच टूवर्ड दी कार्बन चेन और एल्स दे साइक्लिक चेन, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला एक और क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3oh1, यानी कि ऐसा कार्बन कंपाउंड है जिसके साथ सारे सिंगल बॉन्ड है, राइट, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो अटैच हुआ है, राइट, वो कार्बन कैसा होना चाहिए, हमारा sp3 होना चाहिए, राइट। चलिए तो उसकी बात करते हैं। सो इन दिस क्लास ऑफ अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच टू एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एन अल्काइल ग्रुप एंड दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलो, द फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। चलिए बच्चों तो प्राइमरी क्यों बोलेंगे, देखिए ये पहला स्ट्रक्चर है, इसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, कार्बन CH2NOH, राइट। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि OH जो है वो एक कार्बन से जुड़ा है, राइट, यानी कि ये वाला कार्बन जो है दूसरे एक और कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे प्राइमरी। मान लेते हैं यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे प्राइमरी। उसी तरह से सेकेंडरी में आप देखो क्या होता है, सेकेंडरी में ये होता है कि OH वाला कार्बन जो है दूसरे दो कार्बन से जुड़ा रहता है, इसलिए इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। और अगर मान लो एक और यहाँ पे कार्बन आ जाता है और ये H चला जाता है यहाँ से, तो हमारे पास रह जाएगा वो होगा हमारा टर्शियरी। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों कि प्राइमरी में हाइड्रोजन के नंबर कितने होते हैं, दो होते हैं, सेकेंडरी में हाइड्रोजन के नंबर कितने होते हैं, एक होते हैं, और टर्शियरी में एक भी नहीं होता है। सो इसके ऊपर से भी हमें पता चलता है कि भाई अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसके ऊपर से भी हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है। अब बात करेंगे बच्चों एलाइलिक अल्कोहल के बारे में। तो एलाइलिक अल्कोहल किसे कहते हैं, यानी कि हमारे पास एक कार्बन का कंपाउंड है कुछ इस तरह से, राइट, और अगर इसके अंदर डबल बॉन्ड आता है, राइट, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे एलाइलिक कंपाउंड, एलाइलिक कार्बन कंपाउंड। तो हमें बात करनी है एलाइलिक अल्कोहल की, उसमें भी sp3 हाइब्रिडाइज। अब देखो बच्चों कि क्या है कि डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसके बाद के कार्बन के साथ अगर OH आता है, यानी कि हमें समझना है कि OH वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, OH वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। चलिए
सो द ओएच ग्रुप इज अटैच टू द एसपी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड दैट इज टू एन एलाइलिक कार्बन राइट. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और सी एच टू ओ एच राइट. तो अब यहाँ पे याद करिए मैंने अभी क्या बोला था आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे देखो बच्चों ओ एच वाला जो कार्बन है उसके पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए ये कौन सा होगा हमारा प्राइमरी. उसी तरह ये भी एलाइलिक है बट देखो ओ एच वाला कार्बन जो है दूसरे दो कार्बन के साथ अटैच है. कितने कार्बन के साथ अटैच है, तो एक रहा ये कार्बन और दूसरा रहा ये कार्बन, इसलिए इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी. और एक बात बच्चों कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, देखो एक ही है इसलिए भी ये सेकेंडरी होगा. तो इसीलिए यहाँ पे देखो टर्सरी में क्या है सी एच सी तीन कार्बन के साथ जुड़ा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसीलिए इसे हम बोलेंगे टर्सरी. अब बात करेंगे बच्चों बेंजाइलिक अल्कोहल के बारे में. तो बेंजाइलिक अल्कोहल में देखो क्या हो रहा है कि ऐसे कंपाउंड की जिसके अंदर भी हमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की ही बात करनी है राइट. चलिए तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये सारे कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि सब कार्बन के पास एक एक डबल बॉन्ड है राइट. इसलिए यहाँ पे जो कार्बन है देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, टू है, इसलिए ये होगा हमारा प्राइमरी. इसी तरह अगर यहाँ से एक एच रिप्लेस होता है और एक और कार्बन झूलता है तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी. नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी एक ही है. और ये देखो यहाँ पे OH वाला जो कार्बन है उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हम इसे बोलेंगे टर्सरी. क्या बोलेंगे, टर्सरी. सो ऐसा नहीं कि बेंजीन साइक्लिक स्ट्रक्चर भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता नहीं है. अब बात करेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp2 OH बॉन्ड. कैसे बात करेंगे, sp2 OH बॉन्ड यानी कि हमारे पास कार्बन की जो चेन होगी उसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ सीधा OH अटैच होगा क्योंकि हमें किसकी बात करनी है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की. चलिए तो इसी की बात करते हैं. सो दिस अल्कोहल में कंटेन OH ग्रुप बॉन्डेड टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड दैट इज विनाइलिक कार्बन और एराइलिक कार्बन एंड दिस अल्कोहल आर नोन एज अ विनाइलिक अल्कोहल. तो इसे हम बोलेंगे विनाइल अल्कोहल. क्या बोलेंगे, विनाइल अल्कोहल. जैसे कि अगर एरोमेटिक अल्कोहल है तो इसे हम बोलेंगे फिनॉल बोलेंगे. क्या बोलेंगे, फिनॉल राइट. तो इसी तरह से ये भी क्या है हमारा, टू मिथाइल फिनॉल है. क्या है, टू मिथाइल फिनॉल. चलिए बच्चों अब बात करते हैं ईथर के बारे में राइट. तो ईथर्स आर क्लासिफाइड इनटू सिंपल और सिमेट्रिकल इफ दे आर अल्काइल एंड एराइल ग्रुप्स आर अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर द सेम. यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आर ओ आर होता है. यानी कि अगर दोनों साइड हमारे CH3 CH3 रहते हैं ऑक्सीजन के डोनर ओर तो इसे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल. अगर मान लो ये चेंज हो गया CH2 CH3 O CH3 तो ये हो जाएगा हमारा एसीमेट्रिक. कैसा हो जाएगा, एसीमेट्रिक. तो ये होता है ईथर का क्लासिफिकेशन, सिमेट्रिकल एंड एसीमेट्रिकल, या फिर आप इसे अनसिमेट्रिकल ईथर भी बोल सकते हो. जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिए गए हैं, देखो ये है हमारा एसीमेट्रिक, ये है एसीमेट्रिक, ये है सिमेट्रिक राइट. कैसे है, डाई मिथाइल ईथर. तो ये सब सिमेट्रिक होता है. चलिए बच्चों तो बोलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर. तो पहला इंडेक्स क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी राइट. चलिए तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी की. हमें क्या ध्यान रखना है, पहले तो OH वाला जो कार्बन है वो कितने नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा है, अगर वो आप नहीं पहचान पाते तो एक बात देख लो कि इसके साथ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. अगर दो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी हो जाएगा, यस और नो राइट. उसी तरह से अगर एक हाइड्रोजन है तो वो हो जाएगा सेकेंडरी और एक भी नहीं है तो टर्सरी. चलिए तो सबसे पहले देखते हैं इसको. तो देखो यहाँ पे OH जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा है. दूसरी बात ये कार्बन मतलब ये कार्बन हमें देखना है राइट. कौन सा देखना है, ये वाला देखना है. तो देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है डैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी. कैसा हो जाएगा, प्राइमरी. उसी तरह यहाँ पे भी देखो OH के साथ जो कार्बन है उसके पास दो हाइड्रोजन है तो ये भी होगा हमारा प्राइमरी. उसी तरह से यहाँ पे देखो यहाँ पे भी दो ये जो OH जुड़ा है वो कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है तो ये भी होगा हमारा प्राइमरी. इसी तरह से यहाँ पे देखो, अब देखो एक ही हाइड्रोजन है OH के साथ जुड़ा कार्बन उसके पास एक ही है इसलिए ये होगा हमारा सेकेंडरी.
यहाँ पे भी देखो ये कार्बन ये जो है एक ही हाइड्रोजन से है इसलिए ये होगा सेकेंडरी। दूसरा भी हम देख सकते हैं कि भाई ये जो दो कार्बन से जुड़ा है इसलिए सेकेंडरी है, राइट। और लास्ट वन जो है वहाँ पे देखो ये कार्बन जो है OH वाला कार्बन दूसरे तीन कार्बन से जुड़ा है, दैट्स वाई इट इज़ टर्सरी, राइट। सो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज आइडेंटिफाई द एलाइलिक अल्कोहल इन द अबो एग्जाम्पल। तो एलाइलिक हम किसे कहेंगे, कार्बन चेन कंपाउंड होगा जिसके साथ OH जुड़ा है, राइट। वो कार्बन के बाद जो कार्बन होगा उसके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो पहला ये देखो सेकंड नंबर, ये एलाइलिक अल्कोहल है, राइट। फिर ये भी एलाइलिक अल्कोहल है क्योंकि ऑक्सीज हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन का sp2 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, sp2। चले तो ये कार्बन के साथ तो ये कार्बन जुड़ा है तो ये भी एलाइलिक नहीं होगा भले ही इसके अंदर बेंजीन स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट OH के साथ जुड़ा है तो यहाँ पे भी हमें एलाइलिक देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो मतलब हमारा एलाइलिक जो होगा वो ये और ये होगा। चलिए बच्चों तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की, राइट। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।